जी हाँ बिल्कुल, मैं राम मंदिर और जोगेश्वरी के बीच में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के पीछे साइड की जो 70 एकड़ ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है, आज यहीं पे इसी पे मुद्दे पे बात हुई है सांसद में। सांसद सिंधे गुट सांसद गजानन कीर्तिकर जी ने वहाँ पे मुद्दा रखा है जिसमें 70 करोड़ की मांग की है, जहाँ पे जोगेश्वरी टर्मिनस बनाया जाए। सर ये उनका बहुत ही अच्छा सुझाव है और उन्होंने जो सोचा है वो 100% सही है। यहाँ से गर्दी की वजह से वहाँ बहुत सारे दिक्कतें होती है, पब्लिक को जिस तरह दिक्कत होती, मान लीजिए अगर यहाँ से गोरेगांव कांदीवली से जो पैसेंजर जिनको जाना है बांद्रा टर्मिनस या बॉम्बे सेंट्रल जाना है, वो रास्ते में भीड़ की वजह से इतना दिक्कत होती है और बहुत से लोग तो गाड़ियाँ चूक जाते हैं, तो उसकी बजाय ये अगर मिडल में है, बीच में है और यहाँ टर्मिनस बनता है तो सबसे बढ़िया बात है। टर्मिनस बनने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी हो जाएंगी, इस तरह से जो रेलवे की ज़मीन भी फालतू पड़ी उसका भी उपयोग हो जाएगा। जैसे कि पहले अपने को बांद्रा जाना पड़ता था, इधर से बोरीवली अंधेरी, तो मतलब नज़दीक में रहेगा तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी और एरिया का विकास भी बढ़ जाएगा। बनना चाहिए ना, पब्लिक की सुविधा के लिए अच्छा है, टर्मिनस बनेगा तो अच्छा हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी हो जाएगी। जगह ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही कोई कैप्चर कर लेता है, कचरा पड़ा है, देखो आप सब गंदा पड़ा है, उससे तो अच्छा टर्मिनल बने तो अच्छा है ना। फिर दादर जाना पड़ता है, बांद्रा कुर्ला जाना पड़ता है, यहाँ से भी चालू हो जाएगा तो अच्छा है। आज बोरेली में भी कितना रश होता है, ये तो लोकल का प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से बारगांव का गाड़ी, ये अलग से टर्मिनल बन जाएगा तो अच्छा है। ये धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।